अगर आपने बैंक से लोन लिया है छोटा सा, अरे इत्तू सा, लेकिन अगर आप उसको टाइम से चुका नहीं पाएंगे तो आपके साथ क्या होगा? पहले तो बैंक आपके घर रिकवरी एजेंट भेजेगा, फिर कोर्ट का नोटिस, और फिर हो सकता है कि डिफॉल्टर का टैग लगाकर आपकी पब्लिक में बेइज्जती भी कर दे। लेकिन वहीं पे जब बड़ी बड़ी कंपनियां इन्हीं बैंक्स के लाखों करोड़ रुपए डकार जाती हैं, तो ये बैंक कुछ नहीं कर पाते। अभी हाल ही में RBI ने एक RTI का जवाब देते हुए खुलासा किया कि भारत के प्राइवेट और सरकारी बैंक्स ने मिलकर पिछले 5 साल में प्राइवेट कंपनीज के 10 लाख करोड़ रुपए छोड़ दिए हैं, अरे मतलब राइट ऑफ कर दिए हैं, NPA घोषित कर दिया है, मतलब नॉन परफॉर्मिंग एसेट, मतलब इसमें से ज्यादातर पैसा अब वापस नहीं आ सकता। अरे राइट ऑफ किए गए 10 लाख करोड़ में से 7,34,738 करोड़ रुपए सरकारी बैंक से ही है, मतलब 70% पैसा सरकार का ही था जो वापस नहीं आ सकता। और मजे की बात तो यह है कि इस RTI में ये बताया ही नहीं गया है कि किन लोगों के पैसे माफ किए गए हैं। अब बाकी कुछ बचाओ ना बचाओ, लेकिन कॉर्पोरेट बचाओ ये स्कीम पक्का चल रही है। वैसे RBI ने कहा है कि इन राइट ऑफ से इन्हीं बैंक्स का फायदा है, क्योंकि इनके ऊपर से NPA का बोझ हट जाएगा और अब नए लोन दे पाएंगे जिससे देश का विकास होगा। अच्छा।